और भाई कैसे सब बढ़िया। ये हाउ टू अप्लाई यानी फॉर्म उस सीरीज का पांचवा वीडियो है और पांचवे वीडियो में हम बात करेंगे कि आपको ऑनलाइन फीस पेमेंट कैसे करनी है अगर आपके पास रिसोर्सेस उपलब्ध नहीं है, आपको कोई रिलेटिव आपकी कोई सहायता नहीं कर रहा क्योंकि आजकल सब बैग दिखा देते हैं अपना सही पकड़े हैं ठीक है पीठ दिखा देते हैं, खासकर जहाँ रुपए की बात हो वहां तो भाई तो कोई बात नहीं, आपका भाई जिंदा बैठा है यहाँ पर आपको सॉल्यूशन के लिए ही बैठा है। टेंशन नहीं लेने का आप उन्हें ना, तो आपको सॉल्यूशन बताऊंगा मैं कि ऑनलाइन पेमेंट कैसे करना है। आपको डेबिट कार्ड भी मिलेगा, कैसे मिलेगा, बैंक अकाउंट भी मिलेगा और रुपए नहीं मिलेंगे, रुपए अपने आप से ही डालने हैं ठीक है। रुपए नहीं दे रहा भाई और बाकी चीजें दिलवा दूंगा ठीक है। उसमें क्या क्या नीड होने वाली है, क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगेंगे और कितनी प्रॉब्लम होने वाली है, कितनी समस्याएं होंगी, घर बैठे होगा क्या होगा, सारा सॉल्यूशन आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। तो मैं हूं शिवा और आप देख रहे हैं शिवाड़े। चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर लें यार और शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ। बहुत ही अच्छी सीरीज चल रही है, आपके लाइफ में काम आने वाली चीजें हैं ये सारी चीजें ठीक है। देखिए भाई आपने फॉर्म पूरा कंप्लीट कर रहे होंगे आप और सारी चीजें पीछे देख चुके हैं, अगर नहीं देखी है तो सीरीज की सारी वीडियोज को आप एक्सेस करिएगा यहाँ से। तो फॉर्म स्टार्ट कर रहे होंगे आप भरना, फॉर्म स्टार्ट करने के बाद पूरा फॉर्म भर दिया, फाइनल आपके बात आती है फीस पेमेंट की। अब बहुत सारे लोगों का ये कहना था कि मेरे पास तो ना डेबिट कार्ड है ना कोई बैंकिंग है ना नेट बैंकिंग करता हूँ, मैं कैसे पेमेंट करूँ ठीक है। आपको सिर्फ दो चीजों की नीड होने वाली है, एक तो पैन कार्ड, एक आधार कार्ड। अगर आधार कार्ड के साथ आपका मोबाइल नंबर लिंक हो, मैं जानता हूँ आज के टाइम पर सभी का लिंक होगा, पैन कार्ड भी होगा, तो आप बल्ले बल्ले करिएगा, मजे लीजिएगा ठीक है। अगर आपके पास पैन कार्ड नहीं है तो भी एक टाइम पर चल सकता है। देखिएगा बहुत सारे पेमेंट गेटवे पे मैंने बहुत सारी जगह देखा है, पेटीएम वॉलेट भी एक्सेस होता है बहुत सारे पेमेंट गेटवे पर, जरूरी नहीं है ये सब जगह होगा। आप लोगों का दरअसल कमेंट कर दे नीचे जाकर, अरे क्या बोल रहा है पेटीएम वॉलेट तो एक्सेप्ट ही नहीं होता। तो मैं बता रहा हूँ हर जगह नहीं होता लेकिन कहीं कहीं होता है। तो आप पेटीएम वॉलेट यानी कि पेटीएम की मिनी केवाईसी करके रखिएगा अपने आधार कार्ड के थ्रू, डायरेक्ट आप पेटीएम वॉलेट एक्सेस करवा सकते हैं, वहां से डायरेक्ट पेमेंट कर सकते हैं। और अगर आपके पास आधार कार्ड है और पैन कार्ड है तो आप डायरेक्टली जाइए अपने नियरेस्ट सेंटर पर, जहां भी पेटीएम की केवाईसी होती हो, फुल केवाईसी फ्री ऑफ कॉस्ट है। जी हाँ याद रखिएगा, फ्री ऑफ कॉस्ट है, सबसे ज्यादा बेस्ट ऑप्शन है ये मेरी नजर में। आधार कार्ड पैन कार्ड लगेगा, लेकिन आधार कार्ड से भी कर देते हैं अगर आपका कोई जान पहचान का है तो कर देगा, लेकिन पैन कार्ड भी मांगते हैं ठीक है। तो दोनों चीज लेके जाइएगा और होने के बाद आप पेटीएम बैंक ओपन हो जाएगी आपको, वहां से आपको डेबिट कार्ड मिलेगा, आप वीजा का चाहें रुपए का चाहें जैसे भी करना चाहें ठीक है। और नेट बैंकिंग भी चालू कर सकते हैं, गूगल पे फोन पे और वगैरह वगैरह जो भी हैं सारे पे चालू कर सकते हैं आप उससे ठीक है, फ्री ऑफ कॉस्ट। और जो डेबिट कार्ड मिलेगा आपको वो अगर आप घर मंगवाना चाहें तो उसके लिए 250 रुपए चार्ज दीजिएगा, घर आने के बाद वो आपको मतलब कहीं से एटीएम से रुपए निकालेगा उस, जी हाँ यूज कर सकते हैं, वरना आप डिजिटली तो मिल ही जाएगा उसका, कहीं भी ऑनलाइन पेमेंट के लिए यूज कर सकते हैं, जो फीस पेमेंट की बात कर रहा हूं। दूसरा ऑप्शन है धनी कार्ड। देखिए धनी कार्ड बहुत ज्यादा पॉपुलर रहा अब तक और अभी भी है, जो कि कैशबैक के लिए बहुत जाना माना पहचान कार्ड है। तो धनी ऐप को डाउनलोड करिएगा, वहां से अपना आधार कार्ड पैन कार्ड की डिटेल दीजिएगा, आधार कार्ड पे मोबाइल नंबर लगा होना चाहिए। डिटेल्स देने के बाद आपको एक कार्ड मिल जाएगा जो कि आपको फ्री ऑफ कॉस्ट घर भी डिलीवर कर दिया जाएगा, उसका यूज करके आप ऑनलाइन पेमेंट कर सकते हैं। और साथ ही साथ एक बेस्ट ऑप्शन ये है कि 2% का आपको कैशबैक भी हर पेमेंट पर मिलेगा। जी हाँ तो इसको आप ट्राई कर सकते हैं, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में डाल रखी है, तो आप डायरेक्टली ट्राई कर सकते हैं वहां से जाने के बाद। थर्ड ऑप्शन है सबसे बेस्ट और सेफेस्ट ऑप्शन, जो कि मैं बहुत यूज करता हूं पर्सनली और उसका भाई यार लाजवाब है, न्यू एक्स अकाउंट। अगर आपके पास आधार कार्ड है, पैन कार्ड है, आधार कार्ड के साथ मोबाइल नंबर लिंक है, तो आप ये आराम से घर बैठे खोल सकते हैं। और इतनी बढ़िया बैंक लगी ना भाई मेरे को, सही बता रहा हूँ दिल से, बहुत बेस्ट है। देखिए आपके पास मतलब केवाईसी करने के लिए एजेंट आपके घर आएगा, आप जब भी रिक्वेस्ट डालेंगे कल आ जाएगा, कल आ जाएगा, अगले दिन डालेंगे तो भी आ जाएगा, जहां मंगाना चाहे वहां आ जाएगा वो ठीक है। तो केवाईसी करेगा, जैसे ही केवाईसी आपकी कंप्लीट होगी आपकी लिमिट अप हो जाएगी और जो डेबिट कार्ड है वो आपका अप्लाई हो जाएगा, डेबिट कार्ड घर पे आ जाएगा, पूरी किट आपके पास आ जाएगी एट द होम ठीक है। तो आप अकाउंट ओपन करिएगा, लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप डिटेल्ड वीडियो चाहते हैं कैसे खोलें, कैसे ओपन करें, कैसे मंगाएं, कैसे केवाईसी करें, तो उसके लिए आप कमेंट कर सकते हैं ठीक है। और ये बात बता रहा हूँ फ्री ऑफ कॉस्ट। जी हाँ सबसे बढ़िया बात, न्यू एक्स अकाउंट ओपन करने के बाद आपको ओपनिंग के लिए कैशबैक मिलेगा, ट्रांजेक्शन के लिए कैशबैक मिलेगा, डेबिट कार्ड से पेमेंट करने के लिए अलग कैशबैक मिलेगा और भरमार कैशबैक देता है भाई ये ठीक है। मैं अभी कैशबैक की यहाँ पर कैशबैक दिखा दे रहा हूँ, यहाँ पर स्क्रीनशॉट अपना कितना कमाया मैंने इससे ठीक है। और ऑनलाइन सपोर्ट इतना इनका इतना बढ़िया है ना, बहुत बढ़िया, जब भी आप रिक्वेस्ट डालेंगे तुरंत के तुरंत आपको रिप्लाई मिलेगा। तो दिल से मैं थैंक्स कहना चाहूंगा यार, इतना अच्छा उन्होंने सेशन बना रखा है, कोई पेड पार्टनरशिप नहीं है मेरी इससे, मतलब दिल से अच्छा लगा, वास्तव में बढ़िया लगा,
अपना काम चल जाए और क्या है ना। तो आप ट्राई कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है मैंने सारी, और फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है तो आप बता सकते हैं मुझे, ठीक है। और ये कोई भी हाल ही का काम है, अगर पेटीएम की केवाईसी करेंगे तो बस 1 घंटे का 10 मिनट का काम है, न्यूयॉर्क का ओपन करेंगे 5 मिनट का काम है, ठीक है। कोई ऐसा नहीं है कि भाई घंटे लगेंगे, बैंक के चक्कर काटने पड़ेंगे, सारा का सारा घर बैठे कर सकते हैं। और इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।